दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे यूपीएससी 3 जून 2018 को जो एग्जाम लिया है तो इसमें जो क्वेश्चन आया है इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करा है कि ए नंबर कंसिस्ट दी 3 डिजिट ऑफ विच ऑफ द मिडिल नंबर इज 0, ठीक है, मिडिल 1 है जो 0 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए मिडिल 0 मान लिए तो फर्स्ट हम मान लेते हैं एक्स है 100 प्लस और 1 प्लस कितना है वाई मान लेते हैं, क्लियर। अब आगे कहा क्या रहा है, कह रहा है कि एंड देयर सम ऑफ सम इज 0, यानी एक्स और वाई का वैल्यू यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, तो ये 4 के इक्वल होगा, ठीक है, ये 4 के इक्वल होगा। और आगे क्या कह रहा है, इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, इसका ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इटसेल्फ इज इतना, मतलब जो ग्रेटर नंबर जो होगा और जो छोटा नंबर जो होगा उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 198 होगा। तो यानी कि एक्स वाई जो होगा यानी कि जो नंबर होगा ये वाला और ये इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, तो यानी कि वाई नेक्स्ट जो नंबर बनाएंगे इंटरचेंज करके तो वाई 0 एक्स बनेगा और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 198 के बराबर होगा, क्लियर, इतना होगा। अब इन दोनों में देखिए या तो इन दोनों का वैल्यू जो लिखेंगे तो एक ठो 3 लिख सकते हैं तो एक ठो 1 लिखेंगे, क्लियर, 3 1 क्या हो सकता है 4, और यहाँ पे अगर 3 0 1 रख दें और फिर माइनस कर दे अगर 1 0 3 तो ये सब्सट्रैक्ट करके 198 आ जाएगा, क्लियर, 198 आ जाएगा, तो 198 जाएगा, तो यानी कि 301 रखे और 103 रखे तब आया। तो इसमें कर रहा है कि तो यहाँ पे कर रहा है कि देन डिफरेंस बिटवीन दी फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का अंतर कितना है तो 2 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, करे कि ए सॉलिड क्यूब 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, पेंटेड ऑन ऑल साइड इट फेस, यानी कि एक क्यूब है जो इसका यानी कि फेस जो है यानी कि क्यूबिक साइड जो बोला है सॉरी साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे ये क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब में क्या करना है, इसको क्यूब बना के इसको ऑल फेस को क्या कर देना है, पेंटिंग कर देना है, ठीक है। अगर पेंटिंग कर देंगे तो कह रहा है कि मिनिमम यानी 1 सेंटीमीटर वाला क्या करता है कि मतलब काट दिया जाता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब में काट दिया जाता है। तो हाउ मैनी दी स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंट फेस, 2 गो फेस जो होगा वो पेंटेड होगा, तो यानी कि इसमें जो होगा यहाँ पे इसको हम काटेंगे तो इस तरीके से कटेगा, ठीक है, इसको भी काटेंगे तो ये 3 यानी कि 3 ठो यानी कि 3 ठो लाइन में काटेंगे, तो ये जो होगा यहाँ वाला जो होगा ये इस तरीके से जो बनेगा तो यही बीच वाला जो होगा क्या चीज कि मतलब यानी कि पेंटेड होगा 2 फेस, ठीक है, इसको भी हम ऐसे कर देंगे तो यानी कि ये वाला जो होगा यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे चारों साइड कॉर्नर पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो यानी चारों फेस यानी कि इज जो है, ठीक है, ये जो मतलब है ये किनारा, ठीक है, किनारा पे ही होगा, ठीक है, तो चारों किनारा पे होगा, ठीक है, तो यानी कि 4 × 2 = 8 कितना हो जाएगा, ये सॉरी 8 गो किनारा होता है तो 8 गो किनारा पे हो जाएगा, तो ये टोटल 8 गो होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि एक पेन जो है, पेन छोटा है, पेंसिल बड़ा है, ठीक है, पेंसिल बड़ा छोटा है, बुक बड़ा है, तो कह रहा है कि एंड बुक जो बड़ा है तो कैप छोटा है, ठीक है, तो इस तरीके से कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इसमें से कौन सही होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेन है तो पेन छोटा है, ठीक है, छोटा है, उससे बड़ा क्या है, जस्ट बड़ा पेंसिल, ठीक है, तो हम बड़ा थोड़ा लाइन खींच दिए, इससे समझ में आता होगा आपको, फिर पेंसिल से जस्ट यानी कि बड़ा क्या है तो बुक है, ठीक है, इससे जस्ट बड़ा क्या है, बुक है, अब बुक से बुक बड़ा है कैप से, अब कैप से बड़ा है तो छोटा भी हो सकता है, देखिए इनसे भी छोटा हो सकता है, इनसे भी बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, देखिए कंडीशन, पेन जो होगा बड़ा होगा कैप से, ये पेन जो है, ठीक है, ये क्या है पेन, ये हो गया क्या चीज, पेंसिल, और ये हो गया बुक, और ये हो गया आपका कैप, ठीक है, तो पेन जो बड़ा है कैप से, तो पेन यहाँ पे है सॉरी यहाँ पे है पेन, ठीक है, अब पेन बड़ा है कैप से, ये कह नहीं सकते ये छोटा है या बड़ा, ये कह नहीं सकते, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, रिजेक्ट, अब पेन जो है छोटा है, बुक बड़ा है,
तो पेन छोटा हो गया और बुक बड़ा है, तो बुक यहाँ पे बड़ा है तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमेशा ट्रू होगा। अब पेंसिल बराबर है कैप के, ठीक है, पेंसिल यहाँ है और कैप ये है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ पे बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि पेंसिल कैप है, ठीक है, पेंसिल ग्रेटर देन कैप है, पेंसिल से बड़ा है, हाँ पेंसिल बड़ा है कैप से, तब पेंसिल है और कैप है, ये भी हम नहीं कर सकते बड़ा है या छोटा है या बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि कह रहा है कि बुक सेलर जो है एक तो, ठीक है, वो सोल्ड करता है यानी बेचता है ए नंबर ए बुक ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, यानी कि ज्योग्राफी बुक का यानी कि संख्या जो है ए है, ठीक है, एंड कह रहा है कि इसका प्राइस जो है एक्स रुपया है पर बुक, एक बुक का प्राइस जो है एक्स रुपया है, तो ए बुक का कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए लिखते हैं ए एक्स हो गया, एक्स ए गो बुक्स यानी कि ए जो है बुक्स का नंबर है, ठीक है, तो एक बुक का यानी कि कीमत है एक्स, तो ए तो बॉक्स बुक लेगा तो ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ए प्लस टू बुक लेगा, ठीक है, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक, यानी कि ए प्लस टू नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक है, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया पर बुक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए प्लस में टू और इन टू एक्स प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद फिर से कह रहा है क्या चीज, दी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट ए माइनस टू लेता है, ठीक है, ए माइनस टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, इस प्राइस जो दिया है एक्स माइनस टू पर बुक दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज दी टोटल सेल इन, ठीक है, तो टोटल सेल कितना कर रहा है, वो कितना रुपया का सेल कर रहा है, तो ये आपको पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, अगर ए माइनस टू बुक रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको यानी कि एक्स माइनस टू प्राइस है इसका, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आपको यानी इसको प्लस में कर दिया जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऐड करिएगा, यहाँ पे भी ऐड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इस सबको ऐड करिएगा, तो माइनस माइनस वाला जो कट जाएगा और बाकी बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, ठीक है, कह रहा है एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट यानी 40% मार्क्स प्राप्त यानी पास करने के लिए 40% यानी मार्क्स लाना होता है, ठीक है, इसमें से 30 मार्क्स लाता है, ठीक है, तो वो 30 मार्क्स से क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से यानी अगर 30 मार्क्स लाता है तो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, और उसको पास होने के लिए 40% आपको लाना है, ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे अगर 30 मार्क्स यानी कि देखिए 30 मार्क्स लाता है, ठीक है, तो वो 30 मार्क्स क्या करता है, जरूरत पड़ जाता है, तब वो क्या हो जाएगा, 30 मार्क्स की जरूरत पड़ता है, तो यानी 30 प्लस 30 ये अब पास मार्क हो गया इसका, तो ये 40% के बराबर हो गया, किसके परसेंट, यानी 40% के बराबर हो गया, तब 40% किसके बराबर है, तो ये 60 यानी कि मार्क्स के बराबर है, ठीक है, तो आप 1% निकालेंगे, नहीं 100% निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 60 / 40 इंटू मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 50 53 150, यानी 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो वो आप उसको 40% पास करने के लिए प्राप्त करने के लिए उसको 30 मार्क्स की और जरूरत होगा, जब 30 मार्क्स ला रहा है तब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, कंसिडर दी फॉलोइंग नंबर सम, ठीक है, इस तरीके से नंबर जो दिया गया है, तो आपको कह रहा है कि यानी कि डॉट के स्थान पर क्या होगा वो आपको पता करना है, तो देखिए यहाँ पे इसमें अगर आप यानी कि सॉल्व करेंगे, ये अगर 4 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए 4 आ जाएगा 1 प्लस के जगह पे, और यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे आ गया कितना 14, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद 4 रखेंगे, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा 4 + 3 4 × 3 और फिर से उसके बाद क्या है 4 × 1, ठीक है। अब इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सम करेंगे, लेकिन इसको सम करेंगे तो ये आपको आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट में जो होगा, देखिए यहाँ पे वो 4 4 कितना हो जाएगा 8 8 4 कितना हो जाएगा 12 12 3 12 3 हो जाएगा 15 15 1 16, तो 16 का 6 आ गया, 1 प्लस के जगह पे 16 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर 4 रखे हैं तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप फिर 5 रखेंगे तो भी आप क्या होगा, 5 रखेंगे तो यहाँ पे 5 5 5 है 5 10 हो जाएगा 5 15 15 और 3 15 और 3 18 18 और 1 19 19 का 9 हो जाएगा, या अगर 5 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 + 6 12 हो जाएगा 12 + 6 18 18 + 3 21 21 + 1 22 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर इसको रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसको रख रहे हैं तो यहाँ पे 6 आ गया है, नहीं
यहाँ पे 6 आ गया है। अगर इसको रखेंगे बाद में यही ऑप्शन बचा, अगर यहाँ पे रखेंगे इसको इसमें तो यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 83 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 83 के बाद 81 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सबको एड करिएगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए 8 2 16, 8 3 24, 24 और 3 28 और 1 9, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सम करिए तो 8 3 24, 24 और 3 27 और 1 28, 28 का 8 आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 8 रखे थे, ठीक है। अगर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 ही आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि 17 का आंसर हो गया डी। ये देखिए दोस्तों ये सेट नंबर जो है सेट आपका डी मिल, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 8 और 3 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हाफ का हाफ कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बीच में है, यानी कि बीच में से घटा देंगे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे 10 और 6 16 माइनस में 5 करेंगे तो 11, ठीक है। अब यहाँ पे 15 और प्लस 8 23 और 23 माइनस 7 करेंगे तो 16 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 13 और प्लस में 8 तो कितना आ जाएगा, 21 में से 4 गया तो 17 बचेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यानी कि एक शॉपकीपर जो है वो आपको सेल करता है एन आर्टिकल्स, वो 40 कोई सामान बेचता है तो यानी कि वो 40 रुपए में बेचता है तो एक्स प्रतिशत प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब वही कह रहा है कि जब उसको सेल कर दिया जाए 20 रुपए में, ठीक है, उसको 20 रुपए में क्या करता है सेल किया जाए तो उसको कितना परसेंट यानी कि लॉस होगा, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जब 40 रुपए में बेचता है तो कितना परसेंट एक्स परसेंट क्या होता है लॉस होता है, गेन प्राप्त करता है यानी कि प्रॉफिट होता है उसको। तो कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो इसमें देखिए पहले उसको कितना 20 रुपए बेचेगा तो कितना यानी कि सेम परसेंट यानी कि उसको लॉस होता है, ठीक है। तो यानी एक्स परसेंट उसको लॉस होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे होता है, तो यानी कि 40 रुपए में बेचता है एक्स प्रतिशत क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये एक्स रुपया क्या होता है प्रॉफिट, और यहाँ पे जब 20 रुपए में बेचता है तो उसको एक्स प्रतिशत क्या होता है लॉस होता है, तो लॉस होता है माइनस दिखाते हैं। तो इसमें देखिए अगर 40 रुपए में बेचता है तो एक्स प्रतिशत लाभ, अगर 20 रुपए में बेचेगा तो कितना रुपया यानी कि एक्स प्रतिशत हानि, तो इसका मतलब 20 और 40 के बीच में होगा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन दिया है 10 20 और 40 और 30, यानी कि हम इसको सी ऑप्शन क्यों ना दे दे डायरेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन देख के भी बना सकते हैं कि सीधा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है क्या चीज, कंसीडर दी सीक्वेंस आपको सजाना है। देखिए आप यहाँ पे 4 दिसंबर 1995, ठीक है, 4 दिसंबर 1995 है और 1 जनवरी 1996 है, फिर 29 जनवरी 1996 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर कितना का महीना होता है, 31 का, ठीक है, 31 यानी 4 दिसंबर है, इसके बाद क्या हो गया 1 जनवरी। अब यहाँ पे 31 का महीना होगा तो यहाँ पे 3 यानी कि 4 घटा दिया जाए तो 27 दिन बच गया, 27वां दिन क्या होगा ये 28वां दिन पे ये 1 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखा जाए तो 28वां दिन पे ये आ रहा है 29 जनवरी, ठीक है, 29 जनवरी। फिर इसके 28वां दिन देखा जाए तो ये फरवरी है, फरवरी में क्या होगा तो वो 36 का ही दिन होगा, सॉरी 28 का ही दिन होगा, ठीक है, तो वो 28 का ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अगला जो हो जाएगा वो क्या होगा, 96 चल रहा है ना, सॉरी 29 का हो जाएगा, 29 का महीना होगा तो उसमें अब 28 जोड़ देंगे, 28 इसमें तो ये फरवरी है तो 28 इसमें 2 दिन के बाद 29 होगा ना, तो 29 में यानी 3 दिन और होगा तो इसमें क्या हो जाएगा 25, ठीक है, 25 और 3 28 दिन, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से है, कह रहा है कि XLS JXVC, इस तरह इस कोड को हम यानी मुंबई लिख सकते हैं, तो यानी इस कोड को हम क्या लिख सकते हैं, दिल्ली को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे L है तो यहाँ पे क्या दिया है M दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे S है तो यहाँ पे क्या दिया है T के बाद U दिया है, उसके बाद क्या है J है तो K को छोड़ के M, L K और L को छोड़ के M दिया है, तो इस तरीके से यानी कि D है तो D के बाद क्या हो जाएगा E आएगा, सॉरी D से पहले क्या हो जाएगा E हो C होगा,
ठीक है, इसका पहले वाला होगा क्योंकि पाद वाला नहीं दिया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे दिल्ली है, किसका कोड है यहाँ पे, कोड ऑफ इतना इज किसका कोड है ये पूछ रहा है। तो सी से डी से पहले सी हो जाएगा, फिर सी और ई है, ई जो है सी डी के बाद ई, ठीक है, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई, ये हो सकता है। सी सी होगा, दो कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे एल है, ठीक है, तो जे एल के एल जो है इससे पहले क्या होगा, डी ई सॉरी आई है यहाँ पे, तो आई के बाद जे जे होगा, फिर के होगा, तब एल होगा। तो ये यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 है ना, 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। इसको हम मिला सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, आई इसमें भी है, सॉरी देखिए इसमें भी है, तो इसके बाद क्या है लास्ट में, देखिए अब लास्ट का सी है तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा डिजिट है तो पांच का चेंज है, ठीक है, पांचवा डिजिट है तो सी के पांच नंबर और गिनेंगे एबीसीडी में तो क्या होगा, आई आएगा। तो इसी तरीका से यहाँ पे चार डिजिट, छह डिजिट का ना, छह डिजिट गिनेंगे तब, अब यहाँ पे पांच डिजिट का है तो यहाँ पे पांच गिनेंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। डी के पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से है, ठीक है, अरे रैमन का कोड जो है इतना है, ठीक है, रैमन को इतना लिख सकते हैं, दिनेश को इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो हार्मोन का हामम की को क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो जो है आर जो है, तो आर किसके बराबर है, वन कोड के बराबर, ठीक है। ए जो है किसके बराबर है, दो के, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हार्मोन। एच है तो एच का कोड क्या है, देख लीजिए, दिनेश है तो दिनेश में एच में होगा, तो इसका एच का कोड नाइन है, तो नाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, हार्मोन दिया है ना, तो एच के बाद ए है तो ए का कोड कितना है, तो ये दो है, तो नाइन के बाद टू, टू नाइन के बाद टू हो जाएगा यहाँ, ठीक है। इसमें दोनों में ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो पहले क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नाइन थ्री वाला कैंसिल। अब इन दोनों में देखिए, अब यहाँ पे लास्ट वाला आप देखिए, मिलाइए लास्ट वाला छोड़िए, यहाँ पे आप बीच में देखिए, अब क्या दिया है, एम, एम का कोड कितना है, तो एम का कोड थर्ड नंबर पे देखिए थ्री है, तो थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री कौन है, ये है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस तरीके से, ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स वाई आर नेचुरल नंबर है, ठीक है, अदर देन वन, ठीक है, एक्स के अलावा दूसरा नंबर है, तब कह रहा है क्या चीज, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन एक्स, ठीक है, वाई जो है ग्रेटर देन एक्स है, वाई बड़ा है, ठीक है, यानी कि वाई क्या है, बड़ा है, ठीक है, एक्स से। तो आपको पूछ रहा है कि विच वन, देखिए अगर वाई बड़ा है और एक्स छोटा है तो इसका क्या हो सकता है, अगर इसमें यानी कि बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो और ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर एक्स छोटा है, छोटा में अगर बड़ा से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और भी छोटा होगा, अगर बड़ा में छोटा से डिवाइड करेंगे तो लगभग में यानी कि छोटा ही होगा, लेकिन इसका क्या होगा, वन से बड़ा हो जाएगा लेकिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स प्लस वाई कर देंगे, यानी कि एक्स और वाई को जोड़ देंगे और फिर एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, तो लगभग में वो भी क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो नंबर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्या चीज, कि ये जो है कितना, कि एक्स वाई, इसका एक्स वाई का मल्टीपल अगर कर दे तो वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 56 नंबर क्या है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि ये इस तरीके से दे दिया है, फिर इस तरीके से दिया है, फिर ये दिया है, तो इस तरीके से समझिए पैटर्न को, अब उसके बाद रोक के समझ आइए और उसके बाद देखिए ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन, सॉरी बी नहीं, आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैटर्न आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न, अगर ये डॉट लाइन है तो यहाँ पे ये दोनों क्या मिला है, तो इस साइड मिला है, अगर यहाँ पे इस तरीके से लाइन दिया है, अगर ये फिक्स लाइन है तो यहाँ पे क्या कर दिया है, इसके बाद ये दिया है कर्व लाइन, ठीक है, और उसके बाद नीचे ड्रॉ किया है, इस पैटर्न के बाद ये पैटर्न जो है यहाँ पे लिखा गया है इसके साथ, ठीक है, और ये वही चीज है जो ये वाला चीज, इसी में क्या कर दिया गया कि इसको इसमें कर दिया गया, ठीक है, तो यानी कि ये बच गया, इसमें क्या कर दिया, ऐसा वाला पैटर्न कर दिया इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें जो है, अब यही पैटर्न इसमें कर दिया है, ठीक है, यही पैटर्न क्या कर दिया है इसमें, ठीक, तो अब ये पैटर्न जो है अब किसमें चला जाएगा, क्योंकि पहले इसमें है, पहले इसमें था, तो अब इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के अलावा क्या बच रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रेट वाला फिक्स लाइन वाला, तो फिक्स लाइन वाला बच गया, और बाकी जो है ये इस तरीके से जो टेढ़ा लाइन है, ठीक है, यानी कि ये टेढ़ा लाइन जो है इस तरीके से मुड़ा हुआ जो है, वही लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन एक और है जो कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें भी देखिए अगर ये यहाँ पे स्टेप है, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे है, ये स्क्वायर यहाँ पे है, तो अगला स्टेप में क्या हो गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गया है, और फिर इसके बाद अगला स्टेप में क्या हुआ, आगे स्टेप कि ये दोनों क्या हो गया, इसी में आ गया, ठीक है, ये दोनों इसी में आ गया, दोनों एक एक स्टेप यानी कि एक एक डब्बा क्या हो रहा है, एक पोजिशन छोड़ता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही दीवार में आ गया। अब फिर यहाँ से क्या हो गया, ये इसमें जाएगा तो ये इसमें आएगा, ठीक है, ट्रायंगल चला गया किसमें, ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ऊपर चला गया और ये स्क्वायर नीचे, अब यहाँ पे भी है तो ये चल, ये अब जाएगा कहाँ, इधर, तो ये भी जाएगा कहाँ, इधर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, दोनों क्या हो गया, इस दोनों को इसमें मिलेगा, अब इसमें मिलने के बाद क्या होगा, ये ट्रायंगल इस साइड से जा रहा था तो ट्रायंगल अब क्या होगा, नीचे यानी इसमें आ जाएगा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल इसमें आएगा और स्क्वायर जो है इसमें चला जाएगा, तो देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है, तो यानी इसमें आपको ट्रायंगल इसमें यानी कि ऑप्शन ये स्क्वायर इसमें है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोले हैं यहीं पे कि ट्रायंगल जो है यहाँ पे है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल नीचे आ जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसमें आ गया, ये जाएगा इधर की ओर, ठीक है, और ये इधर की ओर आएगा, तो ट्रायंगल क्या आ जाएगा, यानी कि नीचे और स्क्वायर ऊपर, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।